सो दिस इज़ अ टॉप व्यू ऑफ स्नो वैली रिसोर्ट। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो डाइनिंग लगा के आप टेबल लगा के बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो कपल के साथ। आप आए हो तो एक अच्छे से मील ले सकते हो। एंड दिस इज़ अ व्यू फ्रॉम टॉप डेक, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट डे है वो है स्नो वैली रिसोर्ट, जिनका मनाली, शिमला और डेलहाउसी में है तीनों जगह। रूम अच्छे थे इसलिए हमने ये बुक कर दिया अभी। ताबर तो नेक्स्ट वन नाइट एटलीस्ट वी आर एट स्नो वैली। अंदर का रूम देख लेते हैं अच्छे से। प्लीज कम विद मी। ये है स्नो वैली का एक इकोनॉमिक रेंज में बहुत ही अच्छा रूम बोल सकते हैं। एकदम नीट एंड क्लीन है, लिनन से रोल, और विंडोज भी काफ़ी बड़ी है। मैं आपको दिखा दूँ, सिटिंग एरिया भी है। ये देखिए व्यू बहुत अच्छा आता है। प्लस मेन व्यू से ज़्यादा रूम जो है बहुत ही स्पेसियस है। और इनका जो डेक है यहाँ पे आप आराम से, बहुत लंबी जगह है, लोन है, पीछे बच्चे खेल सकते हैं इजीली, झूले हैं, प्ले एरिया है। तो उस बाजू से अपन देखते हैं टॉप साइड से ओपन स्पेस है, तो सारा जगह बर्फीला, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ नजर आ रहा है। इट्स अ बेस्ट व्यू आई थिंक। और मैं आपको हो सकेगा तो पूरा व्यू अच्छे से दिखाऊंगा अभी, और नज़दीक जाएंगे अपन बाहर। तो जैसा कि आपने पूरा रूम ये देख लिया, अब इसका बाथरूम भी अपन देख लेते हैं। ये देखिए बाथरूम नॉर्मल है, ठीक है। शावर एरिया भी है, टिपिकल है रूम के हिसाब से। बाथरूम में मेरे को ओके ओके लगा, बट उससे तो बहुत बढ़िया होटल है ये, ठीक है। और मेन चीज़ क्या होती है, इतनी ठंड है तो वो होटल पे हीटर नहीं था, ठीक है। तो और यहाँ पे हीटर है, तो दिस इज़ अ मेन प्लस पॉइंट। तो फाइनली दोस्तों, लाइक एज वी सेड, वी आर चेकिंग इन द रूम ऑफ स्नो वैली। एंड वाकई में दोस्तों मुझे मज़ा आ गया, क्योंकि नहाए नहीं थे अच्छे से होटल पे, क्योंकि रात को देर से पहुँचे थे एंड फर्स्ट नाइट थी, हमने चला लिया। एंड सुबह अच्छे से, ये प्रॉपर्टी का हमको रिव्यू अच्छा था तो मैंने कहा एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं। वाकई में आपको दिखाया भी कैसा है, 24 घंटे गर्म पानी है दोस्त, ठीक है। तो किसको नहीं पसंद है। बाथरूम स्मॉल साइज़ है, मीडियम साइज़ आई मीन टिपिकल। रूम स्पेसियस है, मज़ा आ गया। एंड हीटर है मैंने जैसे कहा, तो रहने की 100% एश्योरेंस है। 3000 रुपीज़ में और क्या चाहिए आपको, ठीक है, इकोनॉमिक रेंज में। और मेरे साथ चलिए, मैं जैसे ही अभी बाहर निकलता हूँ, ठीक है, सलोन वैली में जा रहे हैं हम लोग, जो कि बहुत ही फेमस जगह है मनाली की। एंड मैं आपको बताना भूल गया कि दोनों हमारी जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो था ओल्ड मनाली। तो जनरली क्या है, ओल्ड मनाली थोड़ी सी हाइट में है तो आपको व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। बाहर का आपको ये प्रॉपर्टी का, प्लस हम लोग जहाँ जा रहे हैं वैली, वो आपको दिखा रहा हूँ जितना हमारे पास टाइम है। और अच्छे से रिजल्ट आएगा कैमरा का वहाँ पे, हम लोग डेफिनेटली आपको एक चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे साथ ग्रीन टी भी आप चीयर्स करो, और ग्रीन टी पी के मैं निकलता हूँ रूम से बाहर। ग्रीन टी पीना बहुत ज़रूरी है, आपको आदत अगर लग गई है तो आपको पता ही होगा कि बहुत लाइट महसूस करता है इंसान ट्रैवलिंग में खास करके। तो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग द वीडियो। सी द वेदर गाइस, सी द वेदर। वहाँ पे देखो, हमारे जो जयदीप भाई साथ में है, उनकी मिसिस के साथ बच्चे को कब से झूला झूला रहे हैं, हॉल पे एरिया में खेल रहे हैं। एंड खुशबू ने अच्छे से वीडियो पे बात नहीं की, तो मैं खुशबू को भी एक बार स्क्रीन में लेता हूँ। मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ,
लेस खाते हुए। हाँ, और मौसम जैसा कि मैंने नून में आई मीन 12-1 बजे आपको ये प्रॉपर्टी का नज़ारा दिखाया था, बट इतना मज़ा ज़्यादा नहीं था। तो ये शाम का व्यू दोस्तों, देखो व्हाट अ व्यू। जैसे शाम होती जाती है, बर्फीला है पहाड़, आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो वी आर एंजॉइंग द मनाली ट्रिप, एंड जैसे ही बाहर जाते हैं आपको दिखा रहे हैं मनाली का नज़ारा, तो देखते रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों फाइनली SUV 700 महेंद्र के सनरूफ से हम लोग बाहर निकल के अभी बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। तो आइए हमारे साथ मनाली देखिए और मज़ा करिए। आपको भी लगेगा कि नहीं, मैं भी अपनी बीबी के साथ जल्द से जल्द मनाली आऊँ। इसको बोलते हैं किसी पे तो बिठाना है सबको, तो ऐसे है ना अभी कायरा को गोद में उठा लेंगे। नहीं नहीं वो सोई है। अच्छा सोने दे उसको। मैं तो बोल रही हूँ 5 किलोमीटर है, फिर उठेगी ना आधी नींद में ना, वो मजा नहीं होगा उसको। तो फाइनली दोस्तों वी आर एट सोलंग वैली, एंड ये आपको जैसे ही हम गाड़ी के बाहर आए और ये आपको सीन नज़ारा दिखा रहे हैं। अब हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो भी अवेबिलिटी है राइट नाउ, बिकॉज अभी टाइम है यहाँ पर 6 बजे है और मौसम बहुत ही ठंडा होता जा रहा है। तो ट्राई कर रहे हैं कुछ आपको दिखाने के लिए, देखते रहो ठीक है। नहीं जी देखो कपड़े पहन रहे हैं अच्छे से क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पे। मैडम कितना डिग्री है यहाँ पे? हाँ पता नहीं कितना डिग्री है, ठंड बहुत है। ठंड लग रही है। ये हमारे बॉडी बिल्डर है विनय जी, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट व्लॉग में दुबई वाले में देखेंगे। ये मैडम इनको कपड़े पहना रही है गरम। तो ये अभी जाएंगे बर्फ जहाँ पे है माउंटेन्स पे मजे लेंगे, इलेक्ट्रिक बाइक पे या फिर घोड़े पे जहाँ उनको ठीक लगेगा। हमारे प्रिंस भाई रेडी हो रहे हैं। प्रिंस भाई ये असली बॉडी बिल्डर तो आप हो? एक्चुअली तो मैं ऐसे ही जाने वाला था शर्ट वर्ट निकाल के, टी शर्ट निकाल के। अच्छा आप लोग इतना कह रहे हो -2 डिग्री है, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा मन कर रहा है। मन कर रहा है या ठंड लग रही है? मन कर रहा है या ठंड लग रही है? ये हमारे प्रिंस भाई रेडी हो गए। प्रिंस फटनानी ऑल इन वन, कोई मोटे वोटे नहीं हुए हो, लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, डाइट ही सब कुछ नहीं है। डाइट हो गया ना, और ऐसी जन्नत में आके तो मैगी जरूर खानी चाहिए। ये हमारी भाभी रेडी। काजल भाभी आप रेडी नहीं हो, बाकी सब रेडी हो गए। ये दीक्षा रेडी, नीतू ओए छोटू सा नीतू। फुल साइज है आंटी, ये मोटा नहीं लगना चाहूँ कैमरा में। आपका वीडियो आएगा यूट्यूब पे फेमस हो जाएगा। हाँ ये लो, आपका नाम और एड्रेस बता दो। डिस्काउंट करना पड़ेगा, 100 रुपए लगाना पड़ेगा। नहीं 200 रुपए पैक दिया आंटी ने हमें, जेन्युइन रेट दिया है, अब इससे क्या कम देने का। हाँ सब अच्छा, सब 250 लेते हैं। हाँ जी सब 250। अच्छा तो आंटी रोहतांग क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? आ जाओ आंटी जी। है आंटी घोड़ा का ना बाइक का ना? आपने यार क्या करना है? घोड़ा का ना या बाइक का? घोड़ा कितने का है? हाँ जी कितने का है घोड़ा? किसमें आएगा सस्ता और मजा? सस्ता फिर क्या करना आप? घोड़ा घोड़ा कितने का है? हाँ जी घोड़ा कितने का है? घोड़ा का 600 है, घोड़ा का आना जाने का। अच्छा और एक दिन टाइम आप करें। और बाइक का? बाइक का 2000 रहेगा। कपल का? कपल का। अच्छा दो मेंबर बैठेंगे आप उसमें। उसका कितना कह रहे हो? 2000। बाइक का 2000 आने जाने का? हाँ जी 2000 कपल का, उसमें कपल साथ जाएगा ना बच्चे। अरे 2000 का नोट लाए हो आप? 2000 रुपए? हाँ बाइक में। तो कहाँ लेके जाओगे? सीट पर जहाँ अभी जा रहा है। तो घोड़े के कम क्यों है? ये है नंबर बूट के। घोड़े कम नहीं है? 600 रुपए घोड़े के बोल रहे हो? ज्यादा दे देना। ज्यादा दे? हाँ जी हाँ जी मैं हॉर्स पे नहीं बैठूंगी। किस पे बैठेगी? बाइक है ये? ये बाइक वो वाली ना? हाँ मैं क्या KTM पे नहीं जाएंगे हम, ये तो हमारे घर पे है। तो ये हमारी 700 नहीं जा सकती क्या? अरे ये तो मस्त है यार। अच्छा यही वाले घोड़े हैं क्या? घोड़े यही वाले हैं क्या?
ये कह रहे 2000 रुपए आना जाना बाइक। अच्छा कपल के साथ? हाँ कपल के साथ ही, और 600 रुपए घोड़ा। मतलब घोड़े पे तो एक ही बंदा बैठेगा ना, कपल नहीं बैठेगा। घोड़ा टाइम लगा देगा कि दोनों एक टाइम? नहीं नहीं बाइक थोड़ा जल्दी पहुंचेगा, घोड़े में तो टाइम लगेगा। देखो पापा जी मैं जाऊँ क्या करना। काजल भाभी आप लेट हो बस, रेडी हो? नहीं आ रहे। क्या बात कर रहे हो? अरे वो कायरा नहीं आने का तैयार हो रही है और रो रही है, इसलिए फिर हम दोनों इधर ही रहते हैं। आप लोग जाके आओ। तो ऐसा करो ना, जयदीप भाई यही हैं, आप चलो, आप चलो साथ। मैंने भी वही बोला लेकिन कायरा नहीं मान रही है, उसको मम्मा चाहिए। ऐसे कैसे हैं? चलो ना, दीदी बोले कि चलो चलो चलो, आप डालो, आप कपड़े तो डाल लो। कपड़े तो डाल लो, अंदर पैकेट है उसका, करो ना सेटिंग कुछ बेटा। वो ये देखो मनाली में आई हुई हमारी पहलवान गुड्डी, टब्बूड़ी नाम है इसका, टब्बूड़ी एक्चुअली नित्या नाम है इसका, आपको जैसे पता ही है। तैयार होकर बैठी हुई है और हम लोग जा रहे हैं अपनी ई बाइक पे जो कि आप देख सकते हो। ठीक है अभी ले जाओ ना, फिर मेरा बैठिए ना आराम से, आराम से। खुशबू हाउ यू फील इन मनाली? ऑफ रोड ई बाइक मजा आ रहा है ना, लग रहा है ना मनाली है। विनय भाई ठीक हो? ये होती है ऑफ रोडिंग। दूर है इधर से अभी थोड़ा रह गया। अभी इतनी ठंड लग रही है, हाथ में कैमरा छूट मतलब फोन छूट ना जाए ऐसा लग रहा है अभी। अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफ रोडिंग ई बाइक में ऑन द वे टू शिव मंदिर। ठीक है, आपको वहाँ पे पूरा ए टू जेड दे रहा हूँ, भगवान शिव जी के दर्शन भी करा दूँ। क्या हो गया? तो ये इस तरह से हमारी ठुक गई गाड़ी, तो अभी बैक रिवर्स मार रहे हैं, सामने से रोड छोटा पड़ रहा है ना, उसमें बैठी है ना आराम। ये सामने से आ रही थी गाड़ी, वो जो सामने आपको दिख रहा है वो है शिव मंदिर, वहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं, वहाँ पे आपको शिव जी के दर्शन कराने वाले हैं। हर हर महादेव। तो भाई साहब, तो इन्होंने हमने छोड़ दिया है, बर्फ है पूरी, आप देखोगे ना, मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाने चाहता हूँ। ये देखो, ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बर्फ के अंदर ये ई बाइक चल रही है, जा नहीं पा रही थी। अब हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा पैदल चल जाएंगे, थोड़ी सी चल गई ई बाइक तो निकाल देंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं पास में ही है अभी। तो दोस्तों ये है
प्रॉपर हम लोग जा रहे हैं प्रॉपर आपको बर्फीली जगह जो मनाली की खासियत है मनाली प्रॉपर वो हम लोग ये आपको एक्सपीरियंस करा रहे हैं कैसा लग रहा है। हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं एंड लाइक हाथ में मतलब इतनी ठंडी ठंडी हाथ है बर्फ पकड़ते ऐसा लगता है बर्फ कुछ नहीं है मतलब ऐसा ठंडी नहीं लग रही है हाथ इतने ठंडे हो गए। चलो ठंड है भाई बहुत ठंड है। शिव मन हाँ ये देखो दादा व्यू देखो आपको बैठे बैठे वीडियो के अंदर मैंने मनाली दिखा दिया है आपको लग रहा है ना। ये देखो भाई साहब ये जो अपना शिवलिंग दिख रहा है आगे लाइट जल रही है वहाँ मंदिर है और उधर जा रहे हैं वॉकिंग। तो भाई ये जगह पे दो कपल है मैं और मेरे दोस्त का ठीक है तीन कपल थे अब पीछे एक रह गया है उनकी बेटी नहीं आ रही थी अब एक कपल जा रहे हैं आगे और एक कपल हम रह गए हैं और पूरे इस इलाके में और कोई कपल नहीं है और हर हर महादेव पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों ये देखो ठंड में बैठे एकदम बर्फ बर्फ में बैठे हैं ये देखो बर्फ ये खुशबू हाउ यू फील वेरी गुड। आ जाओ फटाफट देर हो रही है लेट हो गया है चलो। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं वेलकम स्नो पॉइंट सोलांग वैली यस हम साथ साथ है। तो आपके आगे दिख रहा है जो हम फाइनली पहुंच चुके हैं और ये आगे देखो मैं जूम कर रहा हूँ शिव जी का मंदिर इतना डिफरेंट प्लेस मैंने तो पहली बार देखा है आई आई ये नकली है काट दो। इस पे तो कमेंट कर वाओ मैं घर नहीं जाऊंगी मैं भी नहीं जा रही हूँ मैं तो यही रह जाऊँ मंदिर में ही ऐसा कर रहे हैं फिर हम इन दोनों को छोड़ के जा रहे हैं तीन भाई और मैं जा रहे हैं वापस नीतू भी जा रही है अब आओ अपने टाइम अपने हिसाब से जब मन करे दीक्षा तू पहले तो कह रही अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ मुझे नहीं पता था कहती है पहाड़ी तो है अब क्या है देख अभी इधर ही रुकना है अब यही रुकना है तुझे अब यही मंदिर में रह जाती हूँ मंदिर में रह जा चलो ठीक है बन अभी यू टर्न मारेंगे छोड़ के जाएंगे ना बस। ये देखो दोस्तों ये है मंदिर ठीक है अंदर आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पे मंदिर ऊपर है जूते यहाँ उतार रे ऐसा लिखा हुआ है तो आइए अंदर जाते हैं जूते। अच्छा बाबा जी हरिओम हरिओम हर हर महादेव। तो ये जो ये मनाली खास अंदर आके स्नो वैली में स्नो पॉइंट पे आके ये शिवलिंग दिख रहा है आगे जाके तो इसका कुछ इसका इन्फॉर्मेशन दो ताकि मेरे व्यूअर्स समझ सके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले उनको जी बताइए बाबू जी। ये जगह जो है यहाँ पर अंजनी माता ने तपस्या की थी। अच्छा तो जो महादेव जी ने यहाँ पर प्रकट होकर जो है वरदान दिया था जो हनुमान जी पैदा हुए वो साउथ में हुए लेकिन अंजनी माता को वरदान यहाँ पर दिया था तो यहाँ पर जो है बाबा जी ने खोज की थी 1999 में। अच्छा बाबा प्रकाशपुरी जी महाराज जी ने बराबर तो उन्होंने अपनी मतलब आत्मदृष्टि लगाकर जो यहाँ पर आकर बताया कि यहाँ पर जो है अंजनी माता ने तपस्या की हुई है। बराबर बराबर ठीक है हरिओम 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 थैंक यू सो मच। और अभी हम जो बोले थे एक कपल रह गया है वो भी इतनी देर इवनिंग में आ गया है फाइनली बच्चे को लेके। तो ये है यहाँ का नजारा ये जो आपको दिख रहा है लाइट ये है प्रॉपर मंदिर। पुजारी से आपकी बात करवाई ऑलरेडी लेट हो गया इवनिंग में 7 बजने को है एंड आपको जैसे शिवलिंग दिखा दिया मैंने तो मेन शिवलिंग ये है मनाली का एंड लाइक वी आर फीलिंग ऑसम ठीक है वी आर फीलिंग ऑसम। जयदीप भाई थम्स अप हाय हाय यो काजल भाभी यो आराम से ये तो अभी है लोमड़ी लग रही है जा रही है तो फॉक्स है ना।
दोस्तों ये शाम के 7 बजे है और सराउंडिंग्स में और कोई नहीं है, यहाँ पे गिनती के 7 लोग हैं और यहाँ के जो गाइड है उनका कहना ये है कि ये टाइम पे आप लकी हो कि ये टाइम पे आपको मौका मिला है साक्षात बर्फ के शिवलिंग का आशीर्वाद मिला है। तो हम सब लकी है तीनों कपल। थैंक यू भोलेनाथ जी। लोमड़ी देखिए, लोमड़ी लाइव इतनी रात को और गिनती के लोग बैठे हुए हैं, मतलब भोलेनाथ जी है। दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो कीप वॉचिंग, आगे और भी जगह दिखाएंगे आपको। होप आप यू एंजॉयड अ लॉट। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको भी ले रहा हूँ। तो ये है गाइड हमारे। और कुछ कहना चाहते हो सर? देखिए सर, ज्यादा तो नहीं कहूंगा कि, लेकिन देखो आप भी सोलांग वैली के अंजनी महादेव के परिसर में इस टाइम आए हो, तो एक लकी भाग्यशाली बात है कि इस टाइम में आप यहाँ पहुंचे हो। जो भोलेनाथ जो है साक्षात महादेव बर्फीले बर्फीले जैसे महादेव बोलते हैं, बर्फ में इस टाइम बैठे हुए हैं लोगों को दर्शन देने के लिए, लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दुनिया के इंडिया के बहुत अलग अलग क्षेत्रों से जो है टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं और लगभग अपने एंजॉय के साथ जो है भोलेनाथ जी के दर्शन भी कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि इनके साथ आप लोगों के साथ हमें भी यहाँ पे आने का, भगवान भोलेनाथ जी से कुछ मांगने का या इनसे कुछ मतलब देखने का जो हमें भी मौका मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे जयदीप भैया फंस गए हैं किधर पहाड़ों में, पता नहीं अभी इनको जाने का मन है कि नहीं। ये इनकी ही बाइक है, फंस गई है, पीछे से लेट आए थे तो अभी अटक गई थी, तो वही सेटिंग चल रहा है। वाह भाई वाह। कायरा हाय, हाय किधर हाय। हाँ चलो चलो चलो, चलो चलो चलो, हर हर महादेव। तो दोस्तों ये देखिए अपना वैली हो क्या है, ठीक है। और अभी रिटर्न में मैगी खाना बहुत ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाके में आपको मैगी मिल जाएगी, मोस्टली पराठे भी मिल जाएंगे, काफ़ी चीज़ें आ गई है। तो अभी रिटर्न में थक गए थे, बर्फीले पहाड़ में चढ़ चढ़ के महादेव का अच्छे से दर्शन करके अभी रिटर्न में हम लोग मैगी खा रहे हैं मस्त, और गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। चीयर्स। तो चीयर्स टू यू ऑल।